नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, शहरी कल्चर। शहरी कल्चर, शहरी कल्चर एक तरह का प्रोडक्शन है, सिल्क प्रोडक्शन एक जो है वो कहा जाता है। सिल्क प्रोडक्शन मतलब जो सिल्क वर्म का जो प्रोडक्शन, सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, या हम कहें कि सिल्क वर्म का जो कल्चर होता है उसे कहा जाता है शहरी कल्चर। शहरी कल्चर मतलब होता है सिल्क वर्म का कल्चर, या सिल्क वर्म का रियरिंग या रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं शहरी कल्चर। शहरी कल्चर मतलब रेशम कीट पालन। ऐसे होता है एपी कल्चर। एपी कल्चर मतलब होता है मधुमक्खी हनी बी का पालन। शहद के लिए किया जाता है, और शहरी कल्चर जो है सिल्क वर्म का जो रियरिंग किया जाता है, पालन किया जाता है, वो किया जाता है मेनली सिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं शहरी कल्चर। अब शहरी कल्चर की यदि हम बात करें तो शहरी कल्चर जो है वो सिल्क का प्रोडक्शन। तो हम आपको बताएं, सिल्क जो है वो प्राप्त होता है, सिल्क जो है वो प्राप्त होता है, या सिल्क को प्राप्त किया जाता है, सिल्क इज ऑब्टेंड बाय एक इंसेक्ट है, जिस इंसेक्ट का नाम है मेनली बॉम्बिक्स मोराई। जो ये अपन कहें कि सबसे कॉमन इंसेक्ट है, जिसको बोलते हैं हम बॉम्बिक्स मोराई, या इसी को कहा जाता है मलबेरी सिल्क। इससे जो प्राप्त होता है, इससे जो सिल्क प्राप्त होता है उसे कहा जाता है मलबेरी सिल्क। तो जो सिल्क मैन है, सिल्क के अलग अलग टाइप हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा सिल्क प्राप्त होता है वो है बॉम्बिक्स मोराई। और ये जो है, ये बॉम्बिक्स मोराई जो है वो मेनली मलबेरी, मलबेरी जो है सहतूत, मलबेरी जो है उसकी लीफ पर रहता है। किसकी लीफ पर रहता है? मलबेरी की लीफ को खाता है मेनली, मलबेरी पौधे की, या अपन कहें कि जो सहतूत है उनकी पत्तियों को खाता है बॉम्बिक्स मोराई। तो उसे हम कहते हैं मलबेरी सिल्क। तो सबसे पहली बात, सिल्क प्रोडक्शन को कहा, क्या कहा जाता है? सिल्क के प्रोडक्शन को, या सिल्क वर्म के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। सिल्क वर्म से क्या प्राप्त होता है? सिल्क प्राप्त होता है। उस सिल्क वर्म का नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो है वो मेनली क्या खाता है? वो खाता है मलबेरी लीफ, मतलब सहतूत की पत्तियां खाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम बॉम्बिक्स मोराई या मलबेरी सिल्क। इससे जो सिल्क प्राप्त होता है उसको कहा जाता है, वो सिल्क का एक टाइप ही है, उसको कहा जाता है मलबेरी सिल्क, मलबेरी सिल्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन जो है, या सेरी कल्चर जो है, वो कहाँ पर शुरू हुआ। तो हम आपको बताएं, सिल्क का सबसे पहले, या सिल्क वर्म की शुरुआत जो है, सेरी कल्चर की शुरुआत जो है, वो सबसे पहले हुई चाइना में। कहाँ पर हुई? चाइना में। सबसे पहले चाइना में ही सिल्क वर्म की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि सिल्क वर्म की जो खोज हुई, या सिल्क वर्म का पालन जो शुरू हुआ, या रेशम जो पालन शुरू हुआ, आज आपको पता है कि उसको हम रेशम, एक इतिहास में हम रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं। जहां जहां से चाइना से रेशम गया उसको हम सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। तो वहां की एक महारानी थी जिनका नाम था लॉट जू। क्या थी? लॉट जू जो थी, उनने इसको, लॉट जू थी, तो लॉटजू एम्प्रेस थी, जो लॉटजू महारानी थी, बस मेरी, उनका वैसे नाम क्वांग ती था, ठीक है। तो लॉटजू जो थी, उन्होंने लॉटजू एम्प्रेस, लॉटजू एम्प्रेस ऑफ क्वांग ती, क्वांग ती, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले, कहा जाता है कि इसको खोजा था सिल्क वर्म को। तो सिल्क वर्म की शुरुआत चाइना में हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है कर्नाटका में। भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कर्नाटका में। और आप सभी जानते हो, कर्नाटका जो है, कर्नाटका जो स्टेट है वो भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। और इंडिया जो है, इंडिया जो है उसकी थर्ड रैंक है। इंडिया जो है सिल्क का थर्ड, विश्व में इंडिया जो है वो तीसरी रैंक में, मतलब
सिल्क का प्रोडक्शन करता है, थर्ड रैंक है, तीसरा नंबर है सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का। इंडिया की कौन सी रैंक है? थर्ड रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम आपको बात करें कि जो सिल्क वर्म है, ठीक है, तो कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में वैसे सबसे ज्यादा सिल्क जो है वो एक आपको वहां का शहर है मैसूर, सभी जानते हो मैसूर। मैसूर जो शहर है आप सभी जानते हो, ये सिल्क के लिए जाना जाता है। मैसूर की सिल्क की साड़ियां भी आती हैं, आपने पढ़ा भी है, कर्नाटक में मैसूर की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, सिल्क की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। मैसूर कई चीजों के लिए जाना जाता है, मैसूर इसके लिए जाना जाता है, चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कर्नाटका में होता है कॉफी। ठीक है, तो अब हम आपको बात करते हैं कि ये सिल्क जो है वो होता कैसे है, बनता कैसे है, सिल्क का प्रोडक्शन होता कैसे है। सिल्क जो है वो मिलता है एक इंसेक्ट से, और उस इंसेक्ट को कहा जाता है मॉथ। क्या कहा जाता है? मॉथ। मॉथ इंसेक्ट, एक इंसेक्टा। अब हम बताते हैं मॉथ क्या है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसकी हम थोड़ी सी उसमें चलते हैं क्लासिफिकेशन में। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, और उस क्लास का नाम है इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा, और उस क्लास इंसेक्टा में एक ऑर्डर है, और उस ऑर्डर का नाम है लेपिडॉप्टेरा। क्या नाम है? लेपिडॉप्टेरा। उस ऑर्डर का नाम है लेपिडॉप्टेरा, और लेपिडॉप्टेरा में आते हैं ये कौन? मॉथ और बटरफ्लाई। कौन आते हैं? मॉथ। लेपिडॉप्टेरा में कौन आता है? इसके एग्जाम्पल क्या है? मॉथ एंड बटरफ्लाई। क्या है? बटरफ्लाई। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आता भी है, क्या आता है कि सिल्क वर्म कौन से ऑर्डर में आते हैं? तो सिल्क वर्म आते हैं लेपिडॉप्टेरा ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में आते हैं? लेपिडॉप्टेरा ऑर्डर में। और सिल्क वर्म क्या है? कई बार ये पूछ लिया जाता है सिल्क वर्म क्या है, तो सिल्क वर्म मॉथ है। क्या है? वो वर्म जरूर कहते हैं उनको, क्योंकि वो उससे, उसके कैटरपिलर लार्वा जो है वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, ऐसा कैटरपिलर लार्वा जो है वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम वर्म कह देते हैं। एक्चुअल में वो वर्म नहीं है, वो इंसेक्ट है। सिल्क क्या है? इंसेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या आता है? एक तो ये आता है कि सिल्क वर्म कौन से ऑर्डर में आता है, तो आंसर आएगा लेपिडॉप्टेरा। क्या आएगा? लेपिडॉप्टेरा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिल्क की शुरुआत कहाँ हुई, तो सिल्क की शुरुआत हुई चाइना में। सिल्क वर्म की शुरुआत हुई या सिल्क की प्रोडक्शन की शुरुआत हुई चाइना में। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, तो आंसर आएगा कर्नाटका। क्या आएगा? कर्नाटका। कर्नाटका में सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है भारत में। चौथा क्वेश्चन आता है कि भारत का नंबर कौन सा है सिल्क प्रोडक्शन में, तो भारत का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है सिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, और ये तो आते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर लेपिडॉप्टेरा में। लेपिडॉप्टेरा में आते हैं मॉथ्स और बटरफ्लाई। ठीक है, तो सिल्क वर्म क्या है? एक मॉथ है। क्या है? एक मॉथ है। अब हम बात करते हैं सिल्क वर्म की, कैसे सिल्क से सिल्क का प्रोडक्शन होता है, और कौन कौन से वर्म होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो अगर हम बात करें सिल्क वर्म की, तो सिल्क वर्म जो है वो जनरली चार इनकी प्रजातियां हैं जिनसे सिल्क मिलता है। तो पहली, मतलब फोर प्रजाति या स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म, स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म की स्पीसीज है, ये फोर स्पीसीज है सिल्क वर्म की। कौन कौन सी? नंबर एक, नंबर एक स्पीसीज को कहा जाता है सिल्क वर्म की मलबेरी सिल्क वर्म। मलबेरी सिल्क वर्म, क्या कहा जाता है? मलबेरी सिल्क वर्म। ठीक है, अब मलबेरी सिल्क वर्म कौन है? मलबेरी सिल्क वर्म जो है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो है वो मलबेरी सिल्क वर्म है। ये क्या खाता है? मलबेरी की पत्तियां खाता है, मलबेरी लीफ। ये फीड्स ऑन मलबेरी लीफ, फीड्स ऑन मलबेरी लीफ, मलबेरी लीफ।
ये क्या खाता है, मलबेरी की पत्तियां खाता है। दूसरा जो वर्म है उसको बोलते हैं टसर सिल्क वर्म। क्या बोलते हैं? टसर सिल्क वर्म। क्या बोलते हैं? टसर सिल्क वर्म। टसर सिल्क वर्म क्या है? टसर सिल्क वर्म। टसर सिल्क वर्म क्या खाता है भैया? इस ये खाता है मेनली ओक लीफ। क्या खाता है? ओक की पत्तियां खाता है, ओक लीफ, ओक लीफ खाता है। और इसका नाम जो है वो है एंथेरिया रॉयली। क्या नाम है इसका? एंथेरिया रॉयली। क्या नाम है इसका? एंथेरिया रॉयली। तीसरा जो है वो है एरी सिल्क वर्म। तीसरा जो है वो है एरी सिल्क वर्म। इसको क्या कहा जाता है? एरी सिल्क वर्म। एरी सिल्क वर्म। एरी सिल्क वर्म जो है ये मेनली क्या खाता है? इसको हम अरंडी सिल्क वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरंडी सिल्क वर्म। अरंडी सिल्क वर्म। और अरंडी सिल्क वर्म जो है, अरंडी सिल्क वर्म जो है ये मेनली खाता है, आपको पता ही है अरंडी किसको कहा जाता है, आप जानती हो कैस्टर को। किसको कहा जाता है? कैस्टर को। ये कैस्टर लीफ खाता है मेनली। क्या खाता है? कैस्टर लीफ खाता है अरंडी सिल्क वर्म। ठीक है, ये जो है इससे जो प्राप्त होता है वो एरी सिल्क है। कौन सा सिल्क प्राप्त होता है? देखो, इससे प्राप्त होता है मलबेरी सिल्क, इससे प्राप्त होता है टसर सिल्क, इससे प्राप्त होता है एरी सिल्क। ठीक है, चौथा जो है वो है मूंगा सिल्क वर्म, जिसको बोलते हैं एंथेरिया असामा। क्या बोलते हैं? मूंगा सिल्क वर्म। ये जो है मूंगा सिल्क वर्म, और मूंगा सिल्क वर्म को कहा जाता है एंथेरिया असामा। क्या कहा जाता है? एंथेरिया असामा। और ये एंथेरिया असामा जो है ये मेनली खाता है ओक की लीफ और दूसरे फॉरेस्ट की लीफ, और इससे जो सिल्क मिलता है उसको बोलते हैं मूंगा सिल्क। क्या कहते हैं? मूंगा सिल्क। ठीक है, तो अब हम आपको यहां पर एक बात बता दें कि इसमें से ये इसकी स्पीसीज पूछी जाती है, चार स्पीसीज है सिल्क वर्म की। कितनी स्पीसीज है? चार स्पीसीज है। एक है मलबेरी सिल्क वर्म। ठीक है, सिल्क वर्म की कितनी स्पीसीज है? मलबेरी सिल्क वर्म। मलबेरी सिल्क वर्म कहा जाता है बॉम्बिक्स मोराई को। क्या कहा जाता है? यदि कोई कहे कि सिल्क वर्म कितने प्रकार, कितनी स्पीसीज होती है सिल्क वर्म की, तो सिल्क वर्म की चार स्पीसीज होती है। मलबेरी सिल्क वर्म, मलबेरी सिल्क वर्म कहा जाता है बॉम्बिक्स मोराई को, और ये मलबेरी की लीफ खाता है, और इससे जो सिल्क प्राप्त होता है उसको कहा जाता है मलबेरी सिल्क। टसर सिल्क वर्म, ये खाता है ओक लीफ, इसका नाम है एंथेरिया रॉयली, और इससे जो सिल्क प्राप्त होता है उसको बोलते हैं टसर सिल्क। एरी सिल्क वर्म, इसका नाम है, ये अरंडी की लीफ खाता है कैस्टर लीफ, इसका नाम है एंथेरिया, जो अपन इसको अरंडी सिल्क वर्म का जो नाम है वो है एंथेरिया एटेकस रिसिनी। क्या नाम है? एटेकस रिसिनी। इसका अपन ने नाम नहीं लिखा, इसका नाम है एटेकस रिसिनी। और एटेकस रिसिनी जो है ये मेनली जो लीफ खाता है वो खाता है अरंडी की लीफ, कैस्टर लीफ। ठीक है, और चौथा है मूंगा सिल्क वर्म। ठीक है, मूंगा सिल्क वर्म जो है ये खाता है मेनली मूंगा, जो दूसरे जो ओक लीफ है और दूसरे पौधों की पत्तियों को खाता है, और इससे जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मूंगा सिल्क वर्म, और इसका नाम है एंथेरिया असामा। तो पहली बात हम नाम पे वो कर देते हैं, देखो मलबेरी सिल्क वर्म का नाम बॉम्बिक्स मोराई, इसका नाम एंथेरिया रॉयली, इसका नाम एटेकस रिसिनी, और इसका नाम एंथेरिया असामा। ठीक है, ये चारों इसके नाम है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिल्क वर्म है वो रहता कैसे है, कैसे क्या कहाँ एग देता है, एक हम लाइफ साइकिल आपको इसकी बताते हैं, किसकी? एक सिल्क वर्म की। ठीक है, देखिए तो आपको आप कहना चाहें, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 10 पॉइंट बताएं आप किसके बारे में, सिल्क वर्म के बारे में, तो आपको ये भाई सबसे पहले चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज जो है वो चाइना में हुई थी। ठीक है, इस तरह से अपन इसके बारे में बोल सकते हैं। अब हम ये बताते हैं कि सिल्क वर्म जो है उसका सिल्क का प्रोडक्शन कैसे करता है सिल्क वर्म। देखो यहां पर होता है एक मेल सिल्क, अगर अपन देखें, मान लो अपन ने कह दिया
मान लो मैंने कहा ए मेल है, ए मेल है, ठीक है, ए फीमेल है। हम मलबेरी सिल्क, ए मेल है क्या है, फीमेल है। हमने कहा ए मेल सिल्क, ए मेल है, ए फीमेल है। ए मेल बॉम्बिक्स मोराई मौत है, ए फीमेल बॉम्बिक्स मोराई मौत है। अब फीमेल जो है वो इन दोनों के बीच कॉपुलेशन हुआ, और फीमेल जो है वो मान लो ये मलबेरी की पत्ती है, ठीक है, मलबेरी की पत्ती है। तो मलबेरी की पत्ती पर वो देते हैं एग। ये फीमेल क्या करेगी, मलबेरी की पत्ती पर क्या देगी, एग देगी, अंडे देगी, ठीक है। इसने दिए एग दे दिए, किसने दिए एग, मलबेरी की पत्ती पर। ये लीफ है मलबेरी लीफ, इस पर अंडे दिए, किसने दिए अंडे, ये अंडे दिए मौत ने, ठीक है, फीमेल मौत। यहां से जो अंडे हैं इनसे निकलता है लार्वा, और ये पत्ती के ऊपर ही रहता है। ये अपन ने कहा ये पत्ती है, ठीक है, इसके ऊपर एक लार्वा निकलता है, ठीक है, अपन ने कहा इसके ऊपर से एक लार्वा निकला, और ये एक कैटरपिलर लार्वा निकला। इस लार्वा को कहा जाता है कैटरपिलर। क्या कहा जाता है, ये है एक लार्वा है, इस लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा, ठीक है, ये क्या है, कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। ये कैटरपिलर लार्वा जो है ये आगे चल करके अपने चारों ओर, इस कैटरपिलर लार्वा की लार्वा में सेलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो सेलाइवरी ग्लैंड सिल्क का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, इसी लार्वा की सेलाइवरी ग्लैंड है, और सेलाइवरी ग्लैंड जो है इस लार्वा के चारों ओर स्पिन करके क्या कर लेती है, कुकून का निर्माण कर लेती है। तो ये क्या बन जाता है, ऐसा इसके चारों ओर इस तरह का ऐसा कुकून बन जाता है, और कुकून उस ये लार्वा जो है अपने चारों ओर क्या कर लेता है, कुकून बना लेता है, और उस कुकून के अंदर ये लार्वा रहता है। वो लार्वा बाद में जो है वो प्यूपा में बदल जाता है, और यही जो है, यदि पूछा जाए कि सिल्क जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो सिल्क एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है कौन, लार्वा। और यदि ये पूछ ले कि सिल्क किससे प्राप्त होता है, तो एक्चुअल कुकून जो होता है उससे हम सिल्क लेते हैं, क्योंकि लार्वा जो है अपनी सेलाइवरी ग्लैंड से, इस लार्वा में सेलाइवरी ग्लैंड होती हैं, कैटरपिलर लार्वा में क्या होती है, सेलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां होती हैं, वो चारों ओर क्या करता है, अपने चारों ओर कुकून बना लेता है, एक धागा बनाता है, और उससे क्या बन जाता है, ये जो है इसको बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं इसको, कुकून बोलते हैं। एक कुकून बन जाता है, और कुकून से फिर निकलता है प्यूपा। कुकून से जो है, कुकून के अंदर जो है अगर देखा जाए तो इस तरह से ये जो कुकून है, इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से कुकून है, और इस कुकून के अंदर जो है वो ऐसा रहता है प्यूपा। कौन रहता है, ऐसा एक प्यूपा रहता है, ये क्या है, प्यूपा। कुकून को काट के देखें तो ये है इसका प्यूपा, और इसके प्यूपा को क्राइसेलिस कहा जाता है। इसके प्यूपा को क्या बोलते हैं, क्राइसेलिस कहते हैं, ठीक है, और प्यूपा से फिर बनते हैं एडल्ट। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, लेकिन जो सिल्क है वो मेनली प्राप्त होता है कुकून से, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं सिल्क जो है, सिल्क का प्रोडक्शन जो है किसका, सिल्क का प्रोडक्शन जो है, सिल्क एक प्रोटीन है, सिल्क क्या है, एक प्रोटीन होती है, जो मेनली जो है इसकी लार ग्रंथियों से, लार्वा की सेलाइवरी ग्लैंड से बनती है। इसमें जो प्रोटीन है वो मेनली फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। सिल्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिल्क जो है वो मेनली फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। कैसे बना होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। और इसके जो वो होते हैं, अपन कहें इसके धागे जो होते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं, वो मेनली प्रोटीन से जुड़े होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सेरीसिन। सेरीसिन जो है एक प्रोटीन होती है, जिससे फाइब्रोइन प्रोटीन के धागे जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं,
ठीक है। बाकी का हम इसके बारे में थोड़ा सा और सिल्क कैसे प्राप्त होता है वो अगले वीडियो में सेरिकल्चर के पार्ट 2 में आपको बता देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।